तो भैया जी, व्लॉग बनाने के लिए आपको तीनों चीज का जरूरत है। वो है हार्डवर्क ऑब्वियसली, नेक्स्ट पेशेंस वो तो है, और टाइम वो बहुत इम्पोर्टेंट। हेलो जी, शुक्रिया और एक ब्लॉग देखने के लिए। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मेरा नाम है लिखन और बाजार में आजकल चल रहा है वंडर बाय ब्लॉग का नाम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आज का ब्लॉग चालू करते हैं, लेट्स गो। और भैया जी, आपको पता ही होगा मेरे को कहानी सुनाने का बहुत शौक है, तो चलिए आज भी और एक कहानी सुनाते हैं। तो भैया जी, कंटेंट बनाने का चक्कर में निकल गया घर से, और एक कंटेंट बनाना है, और एक नया लोकेशन चाहिए, और कुछ नया चाहिए यार। तो भैया जी, जैसे जाकिर खान का वीडियो में आपका इमोशन और दिल का बात की कमी नहीं है, और हमारे कलकत्ता में भी घाट का कमी नहीं है, वो चाहे गंगा का हो और दूसरा किसी का हो। चलो जी, दर्शन करवाते हैं और एक घाट का, तो चलो देख लो। और हाँ भैया जी, आज हमारा लोकेशन है कुटी घाट, जो फेरी सर्विस के लिए जाना जाते हैं। तो अगर आपको आना है इधर, तो आपको उतरना पड़ेगा बॉर्नगर स्टेशन में, और उधर से आपको नज़दीकी मिल जाएगा कुटी घाट। तो जी हाँ, ये है आपके लिए कुटी घाट, और ये वाला माहौल में तो एक शायरी हो ही जाता है ना, तो चलो सुना देते एक शायरी। तुम हो खुले आसमान के नीचे, तुम डर रहे हो किस लिए, बोल दो मन में जो है बात, क्योंकि रब ने ये माहौल बनाया बस इसी के लिए। और हाँ भैया, मन पूजा के बाद और एक ज़रूरत है, वो है पेट पूजा का। तो हम सोचा चलो इधर उधर जाके खा ही लेते कुछ ना कुछ। और भैया जी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको पता ही है कबाब क्या होता है, और हम तो बोलेंगे ज़्यादा पैसा खर्चा मत करो, इधर उधर जाके सीधा स्ट्रीट फूड वाला कबाब उठा लो, 80 रुपया होता है, बहुत सारे क्वांटिटी मिलता है, एकदम चकाचक।
तो अभी तो सामान ले लिया, आप लोग देख चुके हैं, पर खाना पीना नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ है। और हाँ, अगर स्ट्रीट फूड हो तो स्ट्रीट में ही खाएंगे, तो घर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। हाँ भैया जी, अभी पूरा सब कुछ रेडी और हम इधर खाएंगे। तो उससे पहले बस पीस देखो इधर कितना बढ़िया है। जो दूसरा है हम वो ट्राई करेंगे, ठीक है। और ये पहाड़ी तो भैया जी शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए। वीडियो आप अगर आप देख लिया होगा तो आई गेस आपको अच्छा लगा होगा, और जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा वीडियो, क्योंकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन वगैरह मिलता है भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक करके जाइएगा, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है उधर से ही। और अगर आपको लगता है सामने जाके थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है आपको, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि भैया जी अगर आप सब्सक्राइब दबा दिया तो आपके साथ मेरा रिलेशन और भी आगे बढ़ेगा। आज है गीत जो शब्द कभी थी, मिडिल क्लास की सोच यही थी, सपना था दिल में हकीकत नहीं थी, हकीकत हकीकत बनाई उसी को, डरता था जो कहना पाता किसी को, आज इस गीत में सब कुछ कहा।